गॉड तुसी ग्रेट हो, खुदा हाफिज 2 और उरी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस रुखसार रहमान और निर्देशक निर्माता फारूक कबीर की शादी के 13 साल हो चुके हैं और अब ये कपल जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पिछले कुछ महीनों से अपनी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ को लेकर परेशान हैं। इस कारण उन्होंने अब ये फैसला लिया है कि वो दोनों अलग हो जाएं। आपको बता दें कि रुखसार और फारूक ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट करने के बाद साल 2010 में शादी की थी, लेकिन अभी तक कपल ने अपने डिवोर्स को लेकर मीडिया के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। आपको बता दें कि रुखसार की पहली शादी असद अहमद से हुई थी और उनकी एक बेटी आयशा अहमद है जो एक एक्ट्रेस है। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो रुखसार की दूसरी शादी भी टूटने की कगार पर है। हालांकि अभी तक इस मामले पर रुखसार और रहमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि फारूक कबीर एक भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कबीर ने अपने करियर की शुरुआत फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और अशोका जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। उन्होंने 2006 में अजय देवगन की शॉर्ट फिल्म में भी निर्देशन के रूप में शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने खुदा हाफिज और खुदा हाफिज 2 जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you.